हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, बेसिकली क्या होता है, हमें ऐसे लगता है कि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स ही रहती है, वो जो है चेंज नहीं होगी, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरी करती है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, राइट। बट क्वेश्चन जब घुमा फिरा के आता है तो बात आती है पर यूनिट की, रुपीज़ पर यूनिट। तो जब हम बात करते हैं पर यूनिट की, तो उसमें जो है ये जो कंसेप्ट है ये रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे, इसमें जो है वो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो चेंज होती है या सेम रहती है, किस में क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की और वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है कि मान लो ऐसी कॉस्ट, अगर हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो हमने जो है ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, तो हमें ज़्यादा लेबर को सैलरी देनी पड़ेगी। बट अगर हमने कम प्रोडक्शन करनी है तो हम जो है कम लेबर को हायर करेंगे और हमें कम सैलरी देनी पड़ेगी। तो वो क्या होगी, हमारी एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट होगी, हमें रॉ मटेरियल भी उस हिसाब से खरीदना पड़ेगा। बट अगर हम बात करें फिक्स्ड कॉस्ट की, मान लो जो भी जिस भी बिल्डिंग में आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, वो आपने बिल्डिंग जो है वो रेंट पे ली है, राइट। अब वो जो आपने रेंट पे ली है, वो रेंट तो आपने उतना ही देना है, चाहे आप प्रोडक्शन बिल्कुल भी मत करो, चाहे आप पूरी प्रोडक्शन करो, कम करो ज़्यादा करो, उस चीज़ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पे वो रेंट तो आपको देना ही देना है, राइट। तो ये होगी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब रेंट देना ही देना है, इसका मतलब कि ये जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, कि आपने जो है 10,000 का आपका खर्चा है वो आपने पे करना ही है, बट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरी करेगी। देखो जो हमारा, फॉर एग्जांपल आप जो है यहाँ पे हम बात करते हैं, आपने 1,000 का रॉ मटेरियल ख़रीदा है, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो है वो क्या होगी, 1,000 × 10, हम यहाँ पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो कितनी होगी, 10,000 होगी। और आपका जो है रॉ मटेरियल अगर आपने 5,000 का ख़रीदा है और 10 रुपये पर यूनिट है, ठीक है, टोटल 5,000 आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा है और वो जो है एट द रेट 10 पर यूनिट, ठीक है, तो 5,000 × 10 कितना हो गया, 50,000। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी पहले भी 10,000 थी, अभी भी कितनी, 10,000 ही रहेगी। बट अगर हम ये पर यूनिट कॉस्ट अगर निकाल लेंगे, तो पर यूनिट कॉस्ट देखो यहाँ पे भी 10 थी, अगर आप ज़्यादा रॉ मटेरियल लोगे तो भी आपको जो है कितनी पड़ रही है, 10 रुपीज़ ही पड़ रही है। तो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट क्या आपकी सेम है, बट इन केस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट, जितनी आपकी टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाय में टोटल जो हमारी यूनिट है कितनी है, 1,000, तो इसको डिवाइड करा तो ये क्या आ गया, ₹10 पर यूनिट, ये हमारी क्या आई है, फिक्स्ड कॉस्ट। एंड इन केस हमारा जब हमने जो है 5,000 रॉ मटेरियल था तब निकालेंगे, तो 10,000 / 5,000, तो यहाँ पे कितनी कॉस्ट पड़ी हमें, ₹2 पर यूनिट। तो यहाँ पे जो हमारा पर यूनिट है वो चेंज हो गया, पहले यहाँ पे 10 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया है। यहाँ पे आपने क्या चीज़ यहाँ पे समझ में आई, कि अगर हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो है वो चेंज होती है और फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। बट आपको क्या समझ आया, कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या रहती है, सेम रहती है, चेंज होती है, सेम रहती है, यहाँ पे भी ₹10, यहाँ पे भी ₹10। और फिक्स्ड कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हमारी चेंज होती है, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई है, 2 हो गई है। और जो हमारी अमाउंट है, अमाउंट यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट की 10,000, तो अमाउंट में चेंज नहीं आया है, हमारी पर यूनिट में कॉस्ट में जो चेंज आया है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी यहाँ पे 10,000 से कितनी हो गई है, 50,000 हो गई है, ठीक है, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है। बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी यहाँ भी 10 थी, यहाँ भी 10 थी, वो सेम रहती है, राइट। सो फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेस या फिर हम बोल सकते हैं डिक्रीजेस, कि इससे जो है फिक्स्ड कॉस्ट हमारी जो है
फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स की बात हो रही है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी सेम रहेगी और फिक्स कॉस्ट जो हमारी डिक्रीज हो जाएगी अगर हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है। यानी इन दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। सो ये हमने यहाँ से डिफरेंस क्लियर हो गया है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।